सीरियल अनुपमा में अनुज ने दिया वनराज को एक और तगड़ा झटका। देखने को मिलता है कि बापूजी अनुपमा को समझाते हैं कि तुम्हें जो खेलने वाला होता है वही जीता है, देखने वालों में से कुछ कोई नहीं जीतता, इसलिए उसे हिम्मत देते हैं और अनुपमा में ठान लेती है कि वो भी अनुज के लिए और अपने लिए जरूर खेलेगी, यानी कि अब फिर से एक नई शुरुआत करेगी। तभी यहाँ पर समर, किंजल और अनुज आते हैं और नाश्ता लेकर आते हैं और देखने को मिलता है कि अनुज अनाउंस कर देता है कि वो एक फिर से नए बिजनेस की शुरुआत करेगा, जिसके बाद बापूजी और सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और अनुज कहता है कि एक बहुत ही खास दिन आ रहा है। और यहाँ पर समर कहता है अरे वैलेंटाइंस डे भी तो आ रहा है, लेकिन वो कहता है नहीं अनु का बर्थडे आ रहा है, जिसके बाद में वैलेंटाइंस डे का नाम लेकर यहाँ पर सभी के सभी चुप हो जाते हैं। तो बापूजी मजाक बनाते नजर आते हैं कि अरे वैलेंटाइंस डे आ रहे हैं, लीला थोड़ी आ रही कि तुम सब लोग चुप हो जाओ। फिर वो सभी के सभी यहाँ पर एक सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं कि हम एक नई शुरुआत करेंगे और काफी खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वनराज को और भी तगड़ा झटका लगता है जब वनराज को एक के बाद एक कॉल आते हैं कि वो तो सिर्फ जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, वो सिर्फ अनुज के साथ में डील करना चाहते हैं और यही वनराज को तगड़ा झटका लगता है। जबकि यहाँ पर तोशु कहता है कि पापा अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब हमें एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। और वनराज कहता है हाँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, और अनुज तो मातम मना रहा होगा, बहुत ही दुखी हो रहा होगा। लेकिन तभी बापू जाते हैं और वीडियो दिखाते हैं और उसकी बोलती बंद कर देते हैं और उसको तगड़ा झटका लगता है। अनुज ये भी कह देते हैं कि वो एक नए बिजनेस की शुरुआत करने वाला है, जिसके बाद तो उसके और भी बहुत ही खुश उड़ जाते हैं। तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वनराज की हालत खराब हो चुकी है और वो अब एक तरह से टेंशन में आ चुका है कि अब कैसे भी इस बिजनेस को हैंडल करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर आप आती है और उसको और खीर वगैरह देकर उसका मूड चेयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें एक और साथी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तुम एक बार तो विश्वास करके देखो। और लेकिन वनराज यहाँ पर कुछ बिना कहे ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं काव्या का असर उस पर हो रहा है। वहीं अनुज और अनुपमा दोनों ही सोने के लिए लड़ रहे होते हैं कि अनुपमा कमरे में सोएगी और अनुज कहता है नहीं तुम सोओगी, और इस चक्कर में वो चद्दर को फाड़ देते हैं और बेचारी चद्दर के चक्कर में उनको दोनों ही वो कहती है अरे ठीक है ये सब कुछ तो चलता है, और वो फिर से पी पर अटक जाती है। तो अनुज उसका मजाक बनाते रहते हैं, इस बार प्याज और प्रभावित तो बिल्कुल मत बोलना, तो कहती प्लीज प्लीज, और उसको फिर से बेचारे को बेकूफ बनाती थी और ऐसे क्यूट से अंदाज में अनुज नजर आता है। और अनुपमा जाकर देखती है कि वो बेड पर नहीं सो रहा, क्योंकि अनुपमा नीचे सो रही होती है और अनुज भी फिर बेड की जगह बिस्तर नीचे ही लगाकर सोता है। और ये सब कुछ देखकर अनुपमा काफ़ी खुश हो जाती, काफ़ी शॉक्ड हो जाती, लेकिन आने वाले एपिसोड में अपने दिल का इजहार, दिल का प्यार अनुज से शेयर करते नजर आएगी। तो दूसरी तरफ वनराज भी कहीं ना कहीं काव्या को माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन एक और तगड़ा झटका वनराज को लगेगा अनुज की तरफ से, जो कि काफ़ी धमाकेदार होगा। इससे अब अनुज जीरो से हीरो बनता है और वनराज की बोलती बंद करता है।